मुझे पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, पेन बहुत ज्यादा होता है और दवाइयों से भी इनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। डॉक्टर के पास गई हूँ मगर डॉक्टर ने बच्चेदानी निकलवाने के लिए कहा, मगर मेरे पास बच्चा कोई नहीं है और मैं माँ बनना चाहती हूँ, तो क्या मुझे बच्चेदानी निकलवा देनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, सोनाक्षी IVF से मैं डॉक्टर पूजा धीर भयाना, स्वागत है आपका द बीटा पॉजिटिव टेल्स में। द बीटा पॉजिटिव टेल्स ऐसी कड़ी है जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ऐसी छोटी छोटी कहानियां उन कपल्स की जो फेस कर रहे थे फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, बट अपनी हिम्मत के जरिए उन्होंने हासिल की अपने घर में नन्ही मुन्नी गिलकारियां। दोस्तों, लॉन्ग टाइम बैक वी हैड अ कपल जिनकी कहानी मैंने पहले व्याख्यान की। फीमेल एज लगभग 37-38 ईयर्स के आसपास। प्रॉब्लम क्या थी कि उन्हें हिस्टरेक्टमी की सलाह दी गई थी। हिस्टरेक्टमी मतलब बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करना। सलाह क्यों दी गई थी? क्योंकि उस फीमेल को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी और बहुत ज्यादा पेन होता, और अल्ट्रासाउंड की लगभग सारी रिपोर्ट यह बताती थी कि शी हैड एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस मतलब गर्भाशय का सोजिश हो जाना, गर्भाशय का बड़ा हो जाना, जिसके चलते माहवारी बढ़नी शुरू हो जाती है, तेज होनी शुरू हो जाती है, पीरियड्स में पेन भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है और कभी कभार दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि रूटीन में पूरा महीना फीमेल को पेन में रहना पड़ता है। इस फीमेल को सलाह दी गई थी बच्चेदानी निकलवाने की, क्योंकि इस फीमेल के पास कोई भी बच्चा नहीं था, तो शी विजिटेड अस। जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो पाया गया कि गर्भाशय का साइज वाकई में काफी बड़ा था। एडिनोमायोसिस ने पूरे गर्भाशय को ऑक्यूपाई कर रखा था, बट वी डिसाइडेड कि गर्भाशय की सतह एक बार हम चेक कर लें ताकि सतह कैसी दिख रही है वह हमें पता चल जाए। सतह मतलब बच्चेदानी की जमीन जहां पे बच्चा टिकता है। सतह देखने पर पाई गई कि शी हैड अ गुड ट्राइलैमिनार पैटर्न। ट्राइलैमिनार पैटर्न मतलब तीन लकीरें हमें एंडोमेट्रियल लेयर की नजर आती हैं, तो शी हैड अ गुड ट्राइलैमिनार पैटर्न ऑफ एंडोमेट्रियम। ऑल्दो गर्भाशय काफी सोजिश वाला था, तो वी काउंसल दिस पेशेंट कि देखो तकलीफ तो होगी, हो सकता है पीरियड्स में भी दिक्कत रहे, हो सकता है पेन भी आपको सहनी पड़े, पर अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो वी कैन प्लान आउट समथिंग। तो दिस पेशेंट वॉज एडवाइज्ड टू अंडरगो IVF। गर्भाशय तैयार किया गया। तैयारी में क्या किया गया? बेसिकली कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो कि गर्भाशय की सोजिश को थोड़ा कंट्रोल में करते हैं, बहुत कम नहीं करते हैं, बट यस, ल्यूप्राइड डेपो नाम से इंजेक्शन आते हैं जिनके जरिए सोजिश थोड़ी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है और इसके साथ इसमें प्रेगनेंसी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो वी गेव हर 3 shots ऑफ ल्यूप्राइड डेपो। ल्यूप्राइड डेपो देने के बाद वी एडवाइज्ड, वी प्लान्ड IVF फॉर दिस पेशेंट, एंड लकीली इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यह पेशेंट कंसीव कर गई। अल्ट्रासाउंड पर पाया गया शी हैड ट्विन प्रेगनेंसीज, और लगभग अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी लेते हुए 35 वीक्स पर शी हैड अ सीजेरियन सेक्शन फॉर ट्विन प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, इस कपल के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि जब यह उम्मीद बिल्कुल हार चुके थे उस समय उन्होंने कदम उठाया, उस समय उन्होंने कोशिश की, उस समय वो आगे बढ़े और अपनी हिम्मत के चलते उन्होंने प्रेगनेंसी का सुख पाया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम लेकर फिर से आऊंगी आपके लिए एक नई छोटी सी कहानी। धन्यवाद।